केंद्र की सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये कटौती का ऐलान किया है। इस ऐलान को होने वाले लोकसभा के चुनाव और 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक घमासान भी छिड़ा हुआ है और एनडीए और हाल के दिनों में बनी इंडिया गठबंधन इसका श्रेय लेने में एक दूसरे से आगे होड़ मचाने में लगे हैं। इंडिया के लोगों का कहना है कि वो उनके दबाव की वजह से ही केंद्र सरकार घुटनों के बल आई और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इसे केंद्र सरकार ने भी माना, लिहाजा गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की गई। 200 रुपये की कटौती हालांकि एलपीजी गैस सिलेंडरों पर हुई है। पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस जो बड़े बड़े सोसाइटी महानगरों में जिसकी सप्लाई है उसमें अभी कटौती का इंतजार या फिर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उसके इस ऐलान के बाद आम आदमी, गरीब तबका, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेला वाला, आपको समोसा, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी, अगर इसके स्वाद में उम्मीद की जा रही है कि ये थोड़ा सस्ता होगा, लजीज पहले ही जैसा रहेगा, तो News24 दिल्ली 24 आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये आम लोगों की जुबानी बता रहा है कि क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, क्या लोकसभा चुनाव की वजह से केंद्र सरकार ने इस तरीके का ऐलान किया है, क्या केंद्र के पिटारे में महंगाई से निपटने के लिए अभी और सारे बहुत सारे ऐलान करने बाकी हैं। इन्हीं तरह के सवालों और जवाबों को जानने के लिए News24 अभी दिल्ली के हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में आया है और वहाँ ये जानने की कोशिश कर रहा है। क्या भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं सरोजनी नगर नई दिल्ली से हूँ, सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ, 30 साल से दिल्ली के ही हो गए। क्या करते हैं? पटरी लगाते हैं हम तो, रेडी पटरी वाले हैं वैसे। किस चीज़ का रहे? बुक्स वगैरह स्टॉल लगा रखा है सरोजनी नगर मार्केट में। यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ मंदिर आए थे दर्शन करने के। जी जी। अच्छा ये बताइए, ये गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम हो गया है जी, कुछ असर है आप लोगों को, कुछ लग रहा है कि कुछ? हाँ, हर किसी को इसमें असर तो होगा, फ़र्क तो पड़ेगा। 200 रुपये मायने रखते हैं। जिन लोगों का खाने पीने का काम है, गैस है, सिलेंडर, तो उनको फ़र्क तो पड़ेगा। घर में आपके यहाँ क्या पाइप वाला गैस है या सिलेंडर? हम प्राइवेट कॉलोनी में रहते हैं तो हमें पाइप वाली सुविधा नहीं, हम सिलेंडर। जी जी। कितना में खरीदे थे सिलेंडर? अभी तक तो 1200 रुपये के आसपास था कुछ, तो 200 रुपये आप कम मिलेगा। जी तो अच्छा, ये आम आदमी के हित में है या आप जब चुनाव आने वाला है तो इसको लेकर के है? नहीं देखो, ये क्या इस तरीके का सोच क्यों है? सबका तो 4.5 साल में आप बढ़ाते रह गए, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, अब 6 महीने रह गया है तो आप 200 रुपये शुरू किए, फिर पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे। देखिए, ये केंद्र सरकार की अपनी योजनाएँ होती, मुझे तो नहीं लगता है कि राजनीतिक दायरे, चुनाव के दायरे से हो रहा है। अभी तक जो भी कार्य किया है आदरणीय मोदी जी ने तो देश हित में किया, समाज के हित में किया। लोगों ने उसका अलग अलग मायने निकाला, हर किसी की अपनी मानसिकता है। मेरी मानसिकता में उनको कुछ सस्ता लगा होगा इसलिए लोगों को सस्ता दे रहे हैं। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती तो महंगी, कोविड में इतनी बेरोजगारी हुई, लोगों को संभालना, लोगों को रोटी देना, ये केंद्र ने किया, वो लोग कोई बखान नहीं कर रहा है। सिर्फ आरोप लगाना तो हर व्यक्ति का भारत में यही मजबूरी है, आरोप ही लगाने। क्या आरोप मोदी सरकार पर लगा रहा है कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं और फिर भी गलत लोग? ये तो पूरा विश्व जान रहा है भाई साहब, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा युवा यूथ बच्चे तक जानते हैं कि मोदी जी देश हित में ही काम कर रहे हैं। उनका अपना व्यक्तिगत परिवार तो है नहीं, कोई विपक्षी हो जो बता दे अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए किसी ने काम किया हो, कोई एक पार्टी का कोई नेता निकल कर आए जनता के बीच में। तो खाद्य पदार्थों में महंगाई हो रही है वो देश के हित में है भाई साहब? कहाँ महंगाई, लोगों की कमाइयाँ बढ़ रही हैं। हम 30 साल पहले दिल्ली में आए तो 30 रुपये रोज कमाते थे, आज 1500 रुपये रोज कमाते, तो क्या महंगाई हो गई भाई साहब बताइए? हम अपनी बता रहे हैं, हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। खुद आज मैं 1500 रुपये रोज कमाता हूं और 30 साल पहले 30 रुपये कमाता था, तो उस टाइम उस हिसाब की महंगाई थी, आज क्या चीज़ महंगी बताइए? गैस सिलेंडर सिर्फ, अब गैस सिलेंडर की बात कर देता हूं मैं, आपने गैस पे बात करी है, तो सिर्फ VIP लोगों को ही गैस नसीब होती थी, किसी सामान्य व्यक्ति के घर में गैस में रोटी नहीं बनती। हमने खुद दिल्ली में 15 साल तेल में रोटी बनाई है, तेल की रोटी खाई है, मिट्टी के तेल की, आज गैस पे खाते स्टोव। हाँ जी, स्टोव होता था, तेल मिलता था, तेल भी जो है बाबा हमें महंगाई मिलती थी, क्योंकि सब जितने कांग्रेस के दलाल ही होते थे तेल के डिपो वाले। मेरे पास तो एविडेंस रखे हुए हैं, आपको दिखा दूंगा, चलो। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समाज से भी इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि 1000 एविडेंस मेरे पास पड़े, आप आइए अपना चैनल लेकर, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात बताओ जी, कि ये जो गैस सिलेंडर का इंडिया गठबंधन बना, अरविंद केजरीवाल भी उसमें, उन्होंने कहा भाई साहब हमारी वजह से सरकार ने कम कर दिया क्योंकि चुनाव है। दिल्ली में चुनाव होंगे, आपके साउथ दिल्ली का आपका इलाका पड़ता है जहाँ पर, जी जी, तो ये बताओ यहाँ इस बार क्या होगा इस महंगाई बेरोजगारी पर अगर दोनों मिलकर लड़ें? मेरी नज़र में अभी तक कहीं बेरोजगारी नज़र आ रही है, सिर्फ हरामखोरों के लिए बेरोजगारी है।
एक पटरी वाला व्यक्ति, एक कूड़ा कबाड़ा बिलने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक समोसे बेचने वाला व्यक्ति, मुझे लगता सरकारी नौकरी से कहीं बेहतर जीवन जी रहा है। और ये सबको पता है कि आबादी बढ़ेगी, नौकरियां घटेंगी। आबादी देश की कितनी हो रही है ये लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। 1% आज से पहले भी, 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तब भी 1% ही भारत के संविधान में नौकरियां थी, और 1% आज भी नौकरियां हैं। हाँ, रिश्वतखोरी कुछ कम हो रही है, जो जो रईसों को नौकरियां मिलती थी अब गरीबों को मिलनी शुरू हो गई। एक छोटा सा बताओ कि 2024 में बेरोजगारी, महंगाई, खाद्य पदार्थ में बढ़ोतरी, ये सब कोई मुद्दा कोई नहीं, मायने नहीं रखते। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ती है तो बहुत असर नहीं हम कह रहे हैं। सारे लड़ रहे जितने हैं विपक्ष में, जितने मोदी के भी देशी दुश्मन हैं, देशी दुश्मन, सब लड़ लें एक साथ, कुछ भी नहीं होना। मोदी कन्फर्म है, श्योर है, और आना भी चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना है। हम इस देश के नागरिक हैं, देश आगे बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। जय श्री राम। क्या क्या आप तो एयरपोर्ट पर कई सालों से काम कर रहे हैं, नहीं कहाँ रहते हैं? साल हो गए। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। हम पटरी वाले, लोकल। हाँ, किधर रहते हैं? दिल्ली पटपड़गंज में। अच्छा, ये पटपड़गंज ईस्ट ऑफ दिल्ली, अक्षरधाम की तरफ। गौतम गंभीर जहाँ से सांसद। हाँ बिल्कुल। कैसा कर रहे हैं सांसद महोदय? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं, जानने आए थे कि अब 6 महीने का वक्त है तो सिलेंडर के दाम कम कर दिए 200 रुपया। हालांकि LPG आपके यहाँ तो पाइप वाला होगा ना? हमारे यहाँ PNG है, तो उसमें तो अभी नहीं हुआ है, आपको कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, आपको राहत नहीं मिला है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो हम लोग ये पूछ रहे थे कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी करे कि अब और चीज़ें कम होंगी, पेट्रोल डीजल के दाम शुरू हो गए कि अब कम होंगे, इस तरीके की चर्चाएं हो गई, तो ये किस तरीके से देखते हैं इस तरीके की चीज़ों को? देखिए, कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मोदी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ डील पहले कांग्रेस को पता लग गई हो, उन्होंने 200 रुपीज़ जो है रिवाइज कर दी हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो मोदी साहब देश का सोच सकते हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई और सोच सकता है। हमारा देश जो सुरक्षा है हमारे देश की वो बहुत उत्तीर्ण लेवल पे है, तो हमें फील होता है। आज ही देखिए राहुल गांधी ने कहा कि भाई साहब चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया है, तो नया कहा कि अरुणाचल प्रदेश और जो कुछ अक्साई चीन का हिस्सा है वो उसके पास है। बॉर्डर लाइन होती है, क्या बॉर्डर लाइन किसी भी एरिया की कंट्रीज की बॉर्डर लाइन्स होती हैं। अब उन बॉर्डर लाइन्स को चीन जब वो फलांगेगा तभी तो वो एरिया कैप्चर करेगा, जब वो फलांगा ही नहीं है, बॉर्डर पे हमारी सेना वहाँ पे तैनात है, तो फिर किस तरह से वो संसद में कह रहे हैं कि 8 पॉइंट पेट्रोलिंग का था अब 3 तक ही जाते हैं। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जो बार बार ये कहा जाता है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे ले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं हर स्तर पर मोदी साहब सबसे आगे लेके जा रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि बताइए 4.5 साल तक आपने कितना महंगाई, सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ में, सरसों का तेल, बेरोजगारी, महंगाई सब जगह है। आप आज देखिए, आप 5 साल पहले अपनी सैलरीज देख लीजिए और आज 5 साल बाद देख लीजिए, किसी कॉरपोरेट में, किसी प्राइवेट में, किसी गवर्नमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जो 10 साल में एक टाइम पे सैलरी डबल होती थी वो आज 5-6 साल में हो गई है। कितने सालों से इंक्रीमेंट हुआ है आपने? हमारा तो बहुत अच्छा हो रहा है सर, हम तो करके भी दिखा रहे हैं ना, हमारा एयरपोर्ट आपको करके दिखा रहा है सब चीज़, प्राइवेटाइजेशन का सबको फायदा हुआ ही है। गौतम गंभीर जी का इस बार क्या होगा 24 में? उसका मुझे नहीं कह सकते। अरे वोट तो देते होंगे ना सर आप लोग? अभी कुछ नहीं, हमारे लिए तो मोदी साहब हैं, मोदी साहब ही आएंगे 24। कोई स्थानीय चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ मोदी जी? नहीं, स्थानीय चेहरा भी महत्वपूर्ण है। जैसे सांसद को लोग वोट, आप सांसद चुनते हैं ना? हाँ। सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी को वोट देते हैं या फिर लोकल सांसद? लोकल को भी देते हैं, लोकल को ही देते हैं, गौतम साहब को भी देंगे। हाँ। देंगे। तो ये सब महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थ की महंगाई, सब कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, क्राइसिस हो रहे हैं सब जगह पे, प्रॉब्लम्स हम लोग भी डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि यू नो आप कैसे अपने आप को मैनेज करके चल रहे हैं। सिचुएशन तो है ही है, कहीं जहाँ पे ये होता था कि 50,000 में घर चलता था, अभी जाके 80-90,000 में आपका घर चलता है। और छोटा सवाल का जवाब दीजिए, तो बहुत चर्चाएं हैं, देखिए मुंबई में बैठक हो रही है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, पूरे देश के 26 दल के लोग जा रहे हैं, जब चुनाव होंगे दिल्ली में तो लग रहा है कि गौतम गंभीर जी अगर दोनों का कंबाइंड साझा उम्मीदवार होगा तो उनके लिए मुश्किल होगी? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईस्ट दिल्ली में मोदी साहब की है
और गौतम गंभीर साहब ही जीतेंगे। थैंक यू। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या महंगाई, खाद्य पदार्थों में वृद्धि, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी के किए गए कामों का करिश्मा अब भी बरकरार है। आम लोगों की जुबानी, आम मतदाताओं की जुबानी दिल्ली 24 पर आप देखिए और उन्हीं की जुबानी सुनिए।